चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं है। चुनावी परिणाम आ चुका है, भले ही बीजेपी को बहुमत ना मिला हो, लेकिन एक बार फिर एनडीए सरकार बनने जा रही है। लेकिन चुनावी परिणामों से पहले मीडिया के एग्जिट पोल ने जो माहौल बनाया, उसने लोगों का लाखों करोड़ रुपए डुबो दिया। अब आप सोच रहे होंगे, एग्जिट पोल से भला लोगों के घाटे मुनाफे से क्या लेना देना? लेकिन लेना देना है। दरअसल एग्जिट पोल में मोदी सरकार को बहुमत से भी ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे ही एग्जिट पोल सामने आए, उसके अगले दिन शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर खुला और 2700 अंकों की लंबी छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं निफ्टी भी 23,000 के ऊपर पहुंच गया। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में भविष्यवाणी कर दी थी कि लोकसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद शेयर बाजार अपने सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए शिखर पर पहुंच जाएगा। लिहाजा पीएम मोदी की भविष्यवाणी और इधर मीडिया के एग्जिट पोल को देखते हुए लोगों ने भारी संख्या में शेयर बाजार में निवेश किया। लेकिन जब 4 जून को चुनाव रिजल्ट सामने आया, तो शेयर बाजार भी घबरा गया और नीचे गिरने लगा, और देखते ही देखते छोटे कारोबारियों का लाखों करोड़ रुपए डूब गया। इसी को लेकर राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को बड़ा घोटाला बताया और कहा कि इसकी जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच कराई जाए। चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4th जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4th। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं 1st जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3rd जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। वहीं राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी सामने आई और भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है। इस बात से राहुल गांधी परेशान नजर आते हैं, लोग निवेश ना करें इसके लिए बोल रहे हैं। 1 जून और 4 जून की खरीद फरोख्त से भारतीय निवेशकों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ। राहुल गांधी जी ने एक प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं पर अनाप शनाप आरोप लगाए। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं है। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, कहा फ्रेजाइल 5 और आज टॉप 5, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया इस बात को आज स्वीकार करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया है कि इस टर्म में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, और यह साधारण उपलब्धि नहीं है, पूरा विश्व इसको गहराई से देख रहा है, बड़ी गंभीरता से देख रहा है, समझ रहा है कि ये आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है, और शायद इस बात से राहुल गांधी जी बड़े परेशान नजर आते हैं और अपने बयानों के साथ विदेश और देश के निवेशकों को एक भय के वातावरण में निवेश ना करें इसके लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं। अब सवाल यह है कि चुनाव में 400 पार का नारा लगाने वाले पीएम मोदी ने आखिर किस आधार पर 4 जून से पहले शेयर मार्केट से जुड़ी ये भविष्यवाणी कर दी। पीएम मोदी की इस भविष्यवाणी के चलते छोटे निवेशकों ने इसलिए भी बाजार में पैसा लगा दिया कि एग्जिट पोल में बीजेपी को साफ साफ बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वोटों की गिनती शुरू होते ही कांग्रेस की लीडरशिप वाले इंडिया गठबंधन को अनुमान से ज्यादा सीटें मिलने लगी और एनडीए गठबंधन की सीटें कम हो गई। बहरहाल बीजेपी को अनुमान के मुताबिक सीटें न मिलने की वजह से शेयर बाजार में आई भारी गिरावट के बीच निवेशकों के करीब 32 लाख करोड़ रुपए स्वा हो गए। ऐसे में सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जैसे सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को इस तरह शेयर मार्केट के बारे में भविष्यवाणी करना कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।